आस्था की यात्रा अमन शांति और खुशहाली के लिए वैष्णो देवी माता के दर्शन करने पैदल निकाला जत्था, पहुंचा शिवपुरी। माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए 40 श्रद्धालुओं का जत्था मंगलवार सुबह शिवपुरी पहुंचा। ये जत्था 40 दिन के अंदर 1600 किलोमीटर की यात्रा कर वैष्णो देवी पहुंचेगा। यात्रा में शामिल बनवारी ने बताया कि माता रानी की कृपा से अमन शांति और खुशहाली के लिए पैदल यात्रा निकाली जा रही है। यात्रा नजीराबाद भोपाल से शुरू हुई। यात्रा में कुल 40 लोग शामिल हैं। इनमें से कुछ लोग पहले भी पैदल वैष्णो देवी की यात्रा कर चुके हैं। बनवारी ने बताया कि यात्रा में शामिल सभी लोग एक दिन में 25 से 30 किलोमीटर चलते हैं। इस तरह लगभग 40 दिन में ये वैष्णो देवी पहुंच जाएंगे। पैदल यात्रा करने वाले कुछ भक्तों के पैरों में छाले पड़ गए थे जब ये जत्था शिवपुरी पहुंचा तो उनकी पट्टी की गई। क्या नाम है आपका? बनवारी लाल सिंह। बनवारी, कहाँ जा रहे हो आप लोग? माँ वैष्णो देवी। कहाँ से चले थे? नजीराबाद, पास में गांव है हमारा, वहाँ से आप लोग चले। कितने लोग हैं आप? मैं 40 लोग। 40? कितने तारीख को चले थे वहाँ से? कितने दिन हो गए? लगभग 9 दिन। 9 दिन में आप शिवपुरी पहुँचे तो वैष्णो देवी कितने दिन में पहुँचेगी? 40 दिन का टारगेट है, वैसे आगे पता नहीं। अभी इसमें कितने ऐसे कितने लोग होंगे जो पहले भी जा चुके हैं? 10-15 लोग हैं कम से कम होंगे। ये पहले वाले लोग होंगे, 7-8। रास्ते में अभी कोई परेशानी तो नहीं आई? कोई परेशानी नहीं है, माता रानी कृपा, सब व्यवस्था होती जा रही है।